सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव और आप सभी को स्वागत करता हूँ एक और न्यू वीडियो पर प्रणव ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैसेज में इमोजी सेंड कैसे करें। इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा फ्रेंड कि कैसे आप लोग मैसेज में इमोजी सेंड कर सकते हो। फ्रेंड, ये जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेना फ्रेंड, और चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले मैसेज एप्लीकेशन को खोल लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं मैसेज एप्लीकेशन को खोल देता हूँ। मैसेज एप्लीकेशन को खोल लेने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह के पेज आप लोगों को दिखाई देगा, और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इनमें से कोई एक कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लिया। इस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा, इस प्लस वाले आइकॉन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लॉन्ग प्रेस कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ऑल इमोजी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग जिस इमोजी को सेंड करना चाहते हो, सबसे पहले उस इमोजी को आप लोगों को ढूंढ लेना है, यानी कि सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस इमोजी को सेंड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, मैसेज में इमोजी सेंड हो गया है। इस तरीके से फ्रेंड आप लोग मैसेज में इमोजी सेंड कर सकते हो। फ्रेंड, वीडियो पसंद आई तो कर देना है वीडियो को एक लाइक फ्रेंड, और चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।